नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। प्रतापगढ़ राजस्थान राज्य का एक मुख्य जिला है। प्रतापगढ़ राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 415 किलोमीटर दूर है। रियासत काल से वर्तमान प्रतापगढ़ को कांठल नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना वर्ष 1699 में महावरत प्रताप सिंह ने की थी। 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। अपने छोटे भाई श्रेमकंड के साथ विवाद के कारण उसने उसे अपने क्षेत्र से निकाल दिया। श्रेमकंड का परिवार कुछ समय के लिए शरणार्थी था और मेवाड़ शासन के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला में रहता था। 1514 में श्रेमकंड के पुत्र राजकुमार सूरजमल देवलिया यानी कि देवगढ़ के शासक बने और इस रियासत को बाद में प्रतापगढ़ रियासत के रूप में जाना जाने लगा। राजकुमार सूरजमल ने देवलिया में अपनी राजधानी कांठल देश की स्थापना की, जो वर्तमान प्रतापगढ़ शहर से लगभग 10 किमी पश्चिमी में एक छोटा सा शहर है। यहाँ पुराने मंदिर, स्मारक एवं ऐतिहासिक महल भी है और बीते प्रतापगढ़ शासन ने अपने खंडर अभी भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतापगढ़ उदयपुर के मेवाड़ शासकों का अभिन्न अंग रहा है। प्रतापगढ़ में आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले में जाखम, कारमोहिनी, सुंखली नदियां बहती हैं। सुंखली नदी का उमद्र प्रतापगढ़ से सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य से हुआ है। प्रतापगढ़ पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान राज्य में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या है यहाँ घूमने के लिए। सबसे पहले तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सीता माता अभ्यारण्य में बहुत सारे जंगली जानवर एवं जंगल का सुंदर परिदृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पहाड़, नदियां देखने के लिए मिलती है। ये जगह उड़ने वाली गिलहरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये उड़ने वाली गिलहरियों के लिए एक प्रोटेक्टेड जगह मानी जाती है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में आरामपुरा में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 1979 में जो है बनाया गया था। इसी के साथ अभ्यारण्य इसे घोषित कर दिया गया था। सीता माता अभ्यारण्य 423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य अरावली, विंध्याचल और मालवा के पठार में बीच में स्थित है। सीता माता मंदिर प्रतापगढ़ का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। ये मंदिर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर घने जंगलों के अंदर बना हुआ है। मंदिर तक जाने का रास्ता पूरा कच्चा है। इस मंदिर तक आप अपने वाहन से, बाइक से पहुँच सकते हैं। मंदिर में पहुँचकर अपने सीता माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सीता माता जी धरती में समाई थी। ये जगह प्राकृतिक परिदृश्य से घिरी हुई है। चारों तरफ आपको प्रकृति का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद आती है बात जाखम जलाशय प्रतापगढ़ की। ये एक मुख्य आकर्षक केंद्र भी है। यहाँ पर जलाशय जाखम नदी पर बना हुआ है। ये जलाशय चारों तरफ सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप आकर सुख का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर बरसात के समय आना और समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। बरसात के समय इस बांध के गेट भी खोले जाते हैं, जिसका दृश्य देखने लायक रहता है। इसके बाद बात आती है नालेश्वर महादेव मंदिर की, जो प्रतापगढ़ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर प्रतापगढ़ जिले में बांसी गांव में स्थित है। मंदिर के पास में ही आपको एक जलाशय देखने को मिलता है, जो बरसात में बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखता है। नालेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन है और उसे मंदिर के अंदर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर गर्भगृह में सफेद पत्थर से बने हुए शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। कामाक्षा माता मंदिर प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ मंदिर घने जंगलों के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर माता रानी पहाड़ों के बीच में विराजमान है। यहाँ पर आपको जंगल के अंदर पहाड़ों में माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। माता के मंदिर में पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसके बाद बात आती है भंवर माता मंदिर की, जो कि प्रतापगढ़ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये प्रतापगढ़ में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। भंवर माता मंदिर प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी में स्थित है। ये छोटी सादड़ी और करीब 3 किलोमीटर दूर है। और भी जगह कई है यहाँ पर प्रतापगढ़ में घूमने के लिए और देखने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि सरकार दिनों दिन प्रतापगढ़ के लिए नई नई सौगातें लेकर आती है। साथ ही प्रतापगढ़ को और खूबसूरत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिशें की जा रही है। ऐसी और भी अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।